और देखिए इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा बीजेपी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। हरियाणा से बीजेपी के लोकसभा सांसद बृजेश सिंह और उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह आज कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, हरियाणा बीजेपी में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, ये बड़ी जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं। और आपको बता दें कि बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। बीजेपी से लोकसभा सांसद है बृजेंद्र सिंह, वो यहाँ पर पिता वीरेंद्र सिंह के साथ शामिल होने की खबरें अब मिल रही हैं, ये बड़ी खबर है। हरियाणा बीजेपी में एक बड़ा उलटफेर देखा यहाँ पर जा सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस में बृजेंद्र सिंह शामिल होंगे, हालांकि इसका कारण क्या है ये भी एक बड़ा सवाल है। और न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी अरुण जुड़ रहे हैं हमारे साथ इसी खबर पर। अरुण, और क्या डिटेल्स मिल रही है इस खबर को लेकर? देखिए, बड़ा झटका ये भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में है, क्योंकि हिसार से जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र सिंह, वो शामिल हो रहे हैं आज कांग्रेस में। थोड़ी देर बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में वो शामिल होंगे। उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, अब बीजेपी में जब वो गए थे तो भी कद्दावर नेता, तो वहां भी केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन वो भी शामिल होंगे। कहा यह जा रहा है विजेंद्र सिंह आज शामिल होंगे और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी देर सवेर पार्टी में शामिल होंगे। एक बड़ी रैली भी करवाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, जिससे एक माहौल बने। और हरियाणा के एक बड़े राजनीतिक परिवार चौधरी सर छोटू राम का ये परिवार है, काफी रसूख वाला परिवार है, तो ये कांग्रेस से जो लगातार नेता छोड़ के जा रहे थे, ये एक अच्छी खबर कांग्रेस के लिए, जो छोड़ के नेता गए थे वो वापस कर रहे हैं। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में कल तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी शामिल हो चुकी है। और आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी और बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। शनिवार को टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की है और बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि टीडीपी एनडीए ज्वाइन कर रही है। आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन पर टीडीपी बीजेपी और जनसेना ने संयुक्त बयान भी जारी किया और इसमें ऐलान ये किया गया है कि बीजेपी टीडीपी और जनसेना लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव साथ में लड़ने वाली है और इसके लिए एक दो दिन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर उनके पहलुओं पर चर्चा भी की जाएगी। बीजेपी टीडीपी और जनसेना के संयुक्त बयान में पीएम मोदी के देशव्यापी विकास और प्रगति का भी जिक्र किया गया है। आंध्र प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज एनडीए और चंद्रबाबू नायडू साहब की टीडीपी पार्टी का अलायंस फाइनल हो गया और जिस प्रकार चंद्रबाबू नायडू साहब का डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, ये एनडीए गवर्नमेंट के साथ मिलके हम इसको डबल स्पीड में पूरा कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश की जनता के हर क्षेत्र में हम जो अधिक से अधिक सुविधाएं, अधिक से अधिक उन्नति के अवसर ढूंढेंगे और उनको हर तरीके से सुख सुविधा से पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल को देखेंगे तो देश में बहुत काम हुए, अर्थव्यवस्था बड़ी है, 10वें नंबर से 5वें, 4थे नंबर तक, अब तीसरे नंबर विश्व के इस पटल पर तीसरे नंबर का की अर्थव्यवस्था भारत बन जाए वहां तक पहुंच रहे हैं। विकास हुआ है, हर वर्ग के लिए काम हुआ है, अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश का वर्चस्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। इस सब को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए, उनके नेतृत्व को देखते हुए स्वाभाविक है कि अलग अलग दल जो हैं वो चाहेंगे कि देश सेवा में एनडीए और मजबूत हो। तो देखिए, टीडीपी और जनसेना पार्टी ने एनडीए का दामन थाम लिया है और अब आंध्र प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। टीडीपी के सूत्रों की अगर माने तो सीटों का तालमेल कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से टीडीपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि बीजेपी 6 सीटों पर और जनसेना 2 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। विधानसभा का फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा कि टीडीपी 145 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि बीजेपी और जनसेना 30 विधानसभा सीटों पर लड़ सकती है। सीटों का ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से तय किया जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट साझेदारी अब मुकम्मल हो चुकी है। जी हां, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इसके बारे में जानकारी दी और कहा कि तमिलनाडु और पुदुचेरी में डीएमके के साथ औपचारिक गठबंधन हो गया है। तमिलनाडु में कांग्रेस 9 सीटों पर और पुदुचेरी में 1 सीट पर चुनाव लड़ने वाली है और बाकी सीटों पर डीएमके और बाकी सहयोगी दलों को कांग्रेस समर्थन देने वाली है।
as per our TNCC president told, Congress will fight 9 seats in Tamil Nadu and 1 alone Pondicherry seats. Rest of the seats, Congress will support all the DMK party candidates and Alliance party candidates. We will win all the 40 seats in Tamil Nadu this time.